मुंबई में बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या कर दी गई, जिसके बाद मुंबई पुलिस की ओर से तफ्तीश जारी है। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब इसी बीच एक्टर सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है। मैसेज करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी बताया है। मुंबई पुलिस की ओर से कहा गया है कि मुंबई के ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज मिला है, जिसमें एक्टर सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मैसेज भेजने वाले ने दावा किया है कि इसे हल्के में ना लें। अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं, तो उन्हें 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए तो सलमान खान की हालत बाबा सिद्दीकी से भी खराब होगी। वहीं इस धमकी भरे मैसेज के बाद इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। सलमान खान को ये धमकी ऐसे समय में मिली है जब पिछले दिनों दशहरे के दिन उनके करीबी दोस्त और एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। वहीं अब सलमान खान को मिली इस धमकी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि हाल ही में सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई है, उन्हें अब Y+ सिक्योरिटी दी गई है।